इस राउंड में दो बैग्स रह गए हैं, एक फातिमा बताएंगी और एक आप। पहले बताएंगी फातिमा। फातिमा क्या लगता है आपको? मुझे बहुत डर लग रहा है, बेहतरी ही कर सकूं इनके लिए। तो फिर आप ज्यादा डरे नहीं, आप एक काम करें, आप अरीबा के थोड़ा करीब आके खड़े हो जाएं। अच्छा। इससे दो चीजें होंगी, एक आपका डर बिल्कुल भी कम नहीं होगा, लेकिन हमारा फ्रेम अच्छा बन जाएगा जी। तो बात ये थी बताइए, नंबर एट के साथ चलते हैं। नंबर एट तो लाइबा ने मना कर दिया था। क्यों? लाइबा ने कहा था नहीं। आपको क्या लगता है इसमें? थ्री और एट जब हमने चूज किया था तो लाइबा ने कहा था एट छोड़ दो, 15 खुलवाओ जी। वो उस पर हम बात करेंगे। आपका नंबर एट है ना? ठीक है, आपका नंबर कौन सा होगा? एट सही है? सही है, ठीक है। आपका नंबर बताएं, फिर हम लाइबा की राय लेंगे। 19 जी। यानी अब जो बैग्स हैं हमारे पास, 8 और 19 जी। हाँ भाई लाइबा, नंबर 8 चूज हो गया, आप क्या करें? बड़ी अमाउंट है कोई? बड़ी अमाउंट है? आई डाउट। साकिब भाई से पूछते हैं। साकिब भाई क्या लगता है, क्या कहती है आपकी सिक्स सेंस? कर रहे हैं, लगा रहे हैं, हिसाब लग रहा है थोड़ा सा, थोड़ा लगता है, मतलब खलील जिब्रान टाइप पर्सनालिटीज में थोड़ा टाइम लगता है सोच समझ के। जी सही है। सही? मैंने क्या कहा था? मैं ना कहता था साकिब भाई में है ये इनर पीस वाली फीलिंग है, उनकी शक्ल से लग रहा है वो इनर पीस वाले हैं। हाँ जी सही है, ठीक है। 8 और 19 जी। ओके, नंबर 8 और 19 लॉक कर देते हैं। नंबर 19 पहले देखते हैं क्या है। नंबर 19 प्लीज ओपन इट। 10 लाख रुपए चले गए। थैंक गॉड। थैंक गॉड। मुझे ऐसे लगा एक जीरो शायद ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, ये 1 करोड़ नहीं, 10। नंबर 8 प्लीज ओपन इट। अब नंबर 8 में पता चलेगा कि क्या है, लाइबा गलत या फिर 500 क्यों रुकवाया तुमने लड़की है।